सो गाइस, हम लोग जलरंग एक्वेरियम पे आ चुके हैं। जो चमक आ रही है ना इनकी, ज़बरदस्त चमक आ रही है। मतलब कैमरा में यार, स्टिल मैं हमेशा बोलता हूँ कि कैमरा जो है वो इसकी सुंदरता को जस्टिस ही नहीं कर सकता। ओ भाई, इनविजिबल मछली रखी हुई यहाँ पे दिख रही है क्या? ओ भाई साहब, ये शार्क की साइज देख रहे हो? है गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। सो गाइज, फिलहाल टाइम हो रहा है 11:05 एंड अब हम निकल रहे। बहुत आज लेट हो चुके हैं यार, निकलना तो थोड़ा जल्दी था बट क्या करें, आज लेट उठे तो थोड़ा सा लेट निकल रहे। सो आज का प्लान ऐसा है कि 2-3 जगह पे विजिट करना है। एक तो यहाँ पे एक्वेरियम है, बहुत अलग अलग टाइप के वास्ट लेवल पे यहाँ पे फिशेस रहते हैं, तो उसे आज एक्सप्लोर करने जाना है। वाटर स्पोर्ट के लिए भी जाना था बट वाटर स्पोर्ट का क्या सीन है अभी बीच पे जाके देखते, बिकॉज कल क्या था ना, हाई टाइड ज़्यादा थी, वाटर लेवल जो थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, तो कल हम लोग ने बात करके आए थे, आज देखते कुछ बीच पे जाके फाइनलाइज करते। और यहाँ पे एक दो छोटे मोटे जो बीचेस है उसे आज एक्सप्लोर करना है, तो ये आज का ओवरऑल प्लानिंग है। तो चलो फटाफट बढ़ते और जाते, सबसे पहले एक्वेरियम जो देखना है वो एक्वेरियम देखने जाते हैं हम लोग, और वहाँ पे जाके आप लोगों को बता दें कि किस टाइप के फिशेस वहाँ पे है, साथ ही साथ में क्या क्या रेंज है एंड वो लोकेशन कहाँ है, ये सारी चीज़ें बता दें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड आपकी वैल्यूएबल कमेंट मुझे शेयर करना मत भूलना, बिकॉज ये सारा 1000 किलोमीटर जर्नी जो है वो हम आप लोगों के लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे ब्लॉग में। सो गाइज, हम लोग जलरंग एक्वेरियम पे आ चुके हैं। गाइज, ये जलरंग एक्वेरियम के मैं लोकेशन आपको बताता हूँ, जो मालवन के लिए मेन रोड जो जाता है उसी मेन रोड पे मालवन से अराउंड 3 किलोमीटर पहले ही आता है। अगर आप मालवन में आ रहे हो, मालवन बस स्टैंड के वहाँ से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस से एक्वेरियम का गिरता है। सो यहाँ पे सारे आप लोगों को मछलियाँ वगैरह देखने मिल जाएगी अलग अलग टाइप के। सो गाइज, ये जलरंग एक्वेरियम है, यहाँ पे स्नैक्स सेंटर भी है, आपको कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए स्नैक्स वगैरह चाहिए तो वो भी मिल जाता है। 50 रुपीज़ जो है इसकी एंट्री फीस है। अब हम पेमेंट करते हैं और अंदर जाके आपको रिव्यू शेयर करता हूँ। गाइस, हम लोग अभी एंटर करते हैं। ओह, एंटर करते ही सामने नियॉन टेट्रा फिशेस दिख रहे हैं, क्या ही ज़बरदस्त इनके शेडिंग दिख रहे हैं ना, जिस चमक आ रही है ना इनकी, ज़बरदस्त चमक आ रही है। मतलब कैमरा में यार, स्टिल मैं हमेशा बोलता हूँ कि कैमरा जो है वो इसकी सुंदरता को जस्टिस ही नहीं कर सकता। इतने मस्त मस्त ऐसे डॉट डॉट डॉट्स दिख रहे हैं ना कि कुछ पूछने की बात नहीं। सो कुछ इस तरीके से एंट्रेंस है, यहाँ पे अंदर पूरा अंधेरा ही है, सिर्फ जो फिश टैंक है, फिश टैंक के लाइट्स से एलिगेटर फिश कहते हैं इसको। खाने में जो है एक अक्खी गोल्ड फिश लगती है, ये देखो एलिगेटर टार। अब आगे जाते हैं, ये नॉर्मल आपको गप्पी फिश देखने मिलेंगे, ये देखो गप्पी। और ये गप्पी फिशेस के लिए ये जो प्लांटेशन किया हुआ है ना, बहुत मस्त दिख रहा है गाइस, बहुत मस्त। आई डोंट नो ये आर्टिफिशियल है क्या रियल है, नहीं शायद से आर्टिफिशियल ही है, रियल तो नहीं लग रहा ये। और ये देखो कैसे फिशेस जो है वो घूम रहे पूरे मस्त में। यहाँ पे देखो छोटी गप्पी फिश है और वहाँ पे बड़ी वाली फिश है सारे। यहाँ पे छोटे छोटे स्नेल्स भी आए हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे चिपके हुए स्नेल्स। सब आगे देखते हैं हम, आगे कौन सी फिश है, हॉकी स्टिक फिश है ये, नाम तो बहुत ही ज़बरदस्त है। एंड आँखें मेरी सपना तेरा सपने सुबह शाम।
15 साल की है, बट यार मेरी येलो वाली, ये येलो के सामने तो कुछ भी नहीं दिख रही है। बहुत ही जैंट साइज़ की ये कोई फिशेस है गाइस। और अब बढ़ते हैं आगे गोल्ड फिश की तरफ। ये आ चुके हैं गोल्ड फिश, मस्त साइज है इसकी भी यार, कम से कम साल डेढ़ साल के ऊपर के ये सारे फिशेस रह गए यार। दिखने में भी एकदम ज़बरदस्त दिख रहे, कलर कॉम्बिनेशन देखो यार, क्या ही कलर कॉम्बिनेशन है, मस्त। में ये देखो वाइट कलर की एंड वहाँ पे ब्लैक कलर का सकर फिश है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है यहाँ पे। ओ भाई साहब, ये शार्क की साइज देख रहे हो गाइस, क्या साइज है, मतलब मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ से भी बड़ी साइज है यार ये। ऑलमोस्ट 1.5 फीट के रेंज में शार्क की साइज़ है। एंड इसका मुंह देखो यार, रियल वाली शार्क साइज दिख रही है, रियल वाली शार्क की जैसी साइज दिखाई दे रही है इसकी। पानी थोड़ा सा गंदा है, फिल्टर वगैरह दिख नहीं रहा है इसमें, आई डोंट नो, इसीलिए पानी शायद से थोड़ा गंदा रहेगा। बट साइज़ देखो यार शार्क की, ज़बरदस्त लग रही है। यहाँ पे देखो गाइस, नियॉन रेनबो फिशेस है, रेनबो टाइप से तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। और मेन इम्पॉर्टेंट जो इसके पीछे जो ये वुड लगा हुआ है ना, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है यार, मतलब ऐसा रियल में कुछ बड़े एक्वेरियम में आए ऐसा फील आ रहा है पूरा। निशानो तो मेरे को किधर लेके जा रहा है बाबा, यहाँ पे देखो फिश, ये ऑस्कर फिश है यहाँ पे, साइज में ये भी बहुत बड़े हैं यार, बहुत बड़े हैं, एक एक फीट की साइज है। नाम लगाया नहीं है बट अपने को तो पता है ये फ्लोरॉन है, ये भी अच्छा खासा है बट इतना बड़ा नहीं है, मतलब छोटा साइज है इसका। यहाँ पे अंदर कुछ नाम ही नहीं लगा है, पता नहीं यार ये फिशेस कौन से, पता नहीं इसका नाम नहीं लगाया हुआ है। बट गाइस कुछ भी बोलो, 50 रुपीज़ वर्थ इट है, इतना भी मतलब कुछ ये भी नहीं लगता। मस्त तो यहाँ पे वाइड कलेक्शन दिया हुआ है, देखो ये मार्बल एंजल है, मार्बल एंजल में आप लोगों को जो है मार्बल जो आता है ना उसके टाइप से इस पर शेडिंग दिखाई देगी पूरी। ये देखो शेडिंग सर है, ये मार्बल एंजल फिशेस। एंड वहाँ से आएंगे तो ये छोटे छोटे नियॉन फिशेस है, इस पर भी कुछ बोर्ड तो नहीं लगाया बट ये मेरे पास थे इसलिए मुझे पता है ये नियॉन फिशेस है, कलर में है बहुत मस्त। और इसका जो इफेक्ट है ना गाइज वो अंधेरे में ही आता है, मतलब ये जो अंधेरा गिरा हुआ है यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो, स्टिल मोबाइल में तो कुछ ज़्यादा ही उजाला करता है बट रियल में अगर देखोगे ना तो ये फोटो फ्रेम टाइप दिख रहा है, लाइव फोटो फ्रेम जो होती है ना तो उस टाइप में यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा। और इस साइड में क्या है, ये डिस्कस फिश है, ये देखो डिस्कस की साइज़ अच्छी बड़ी है यार, मैंने मतलब अब तक इतनी बड़ी डिस्कस देखी ही नहीं है। डिस्कस मैंने देखी थी 1 रुपये के कॉइन की, इतनी छोटी छोटी। एंड ये 10 रुपये के नोट से भी बड़ी फिश है, दो फिशेस है यहाँ पर डिस्कस के। यहाँ पे ऊपर क्या है ऊपर, ओके ये गोल्डी फिश है, ब्लैक वाली, नाम इसको भी दिया नहीं। ओ हो क्या कलर दिख रहा है इसका, पता नहीं ये कौन सी फिशेस का नाम तो नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, बट यार ज़बरदस्त कलर कॉम्बिनेशन है, मस्त दिख रही है ऑरेंज में चू। और आगे यहाँ पे कौन सी है यार, इसके नाम ही नहीं दिए, पता नहीं क्यों यार, फिश के नाम तो होना चाहिए ना, दिखने के लिए थोड़ी थोड़ी तो शार्क टाइप दिख रही है यार, वो प्रेग्नेंट ही दिखता, वो देखो कैसा पेट बाहर निकला है उसका, ओहो प्रेग्नेंट ही लग रही है वो, अंडे वंडे देगी पता नहीं। और यहाँ पे भी मस्त तो सेम कलर कॉम्बिनेशन वाली प्रीवियस, इसका नाम भी पता नहीं, जायंट गोरामी। ओहो ये गोरामी मेरे पास है गाइज, मेरे पास छोटी साइज़ की गोरामी, गोरामी के साथ में सकर भी पड़ा है यार यहाँ पे, कितना बड़ा सकर है, ज़बरदस्त। एंड गोरामी देखो गाइज क्या साइज़ है इसकी, ऑलमोस्ट 2 फीट के रेंज में साइज़ है इसकी यार, मतलब मोबाइल में तो स्टिल छोटा दिखाई देती है बट यार ज़बरदस्त साइज़ है। यहाँ पे ये फिश मेरे पास थी शायद से डॉलर फिश है, ये नाम तो इधर लगाया नहीं है बट ये डॉलर है शायद से, मेरे पास थी ये फिश। एंड आगे और फ्लावर हॉर्न,
ये देखो फ्लावर हॉर्न, इसका हेड देखो ये थोड़ा ज़्यादा मैच्योर्ड है, जो पुराना वाला फ्लावर हॉर्न था ना उससे भी बड़ा इसका देखो हेड दिखाई देगा आपको, देख रहे हैं ना कैसे कैमरे में एकदम मस्त वाला पोज दे रहा है। ये देखो साइड से, मतलब ये बेसिकली कैसे ना गाइस, लेंथ में ज़्यादा बढ़ते नहीं है, इनका जो हेड आता है ना ये हेड बड़ा होते जाता है, और उसके पीछे ये देखो शकर कैसा चिपका हुआ है, ऐसा खतरनाक दिख रहा है, एलिगेटर टाइप दिख रहा है कि जाके चिपक गया है कहीं पे। एंड अब इस साइड में क्या है, फ्लोरोसेंट टाइगर है, ये टाइगर फिशेस में थोड़ा सा ऑरेंज वाली शेड है इसमें गाइस। ये जो लुक है ना बट वो ज़बरदस्त किया हुआ है यार, ऐसे दूर से देखेंगे ना पूरी फोटो फ्रेम दिखाई दे रही है। इसका पानी क्लियर नहीं है, प्लैटिनियम एंजल फिश है यहाँ पे, जिसे हम रेड कैप फिश भी यूजुअली बोलते हैं। एंड ये कौन सी है पता नहीं, ये गप्पी वाली ही दिख रही है मुझे, नहीं यार इसका नाम कुछ तो है, ये फिश जो है ना वो डायरेक्टली बच्चे देती है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मेरे पास थी ये ब्लैक कलर की थी, मतलब डायरेक्ट बच्चे दे देती है, एक साथ में तुम्हारे को 50-60 बच्चे छोड़ देती है। और आगे आगे ब्लैक घोस्ट, ओ भाई साहब ये कैसी फिश है, देखो उसका नीचे का लेयर देखो कैसा हिल रहा है, और ये कर क्या रही है, ऐसी क्यों आड़ी टेढ़ी गिर रही है पता नहीं, बट मस्त है। ये है फ्लोरोसेंट विडो, भाई वेदवा मछली है। एंड यहाँ से आगे डॉलर, ये बड़ी वाली डॉलर साइज, मैं वही बोला ना वो वाली भी डॉलर फिश है, वो छोटी डॉलर से, ये बड़े डॉलर साइज के है, ये तो हम लोग ने देख लिया। अब देखते हैं आगे भी और कुछ है क्या यहाँ पे, आगे भी शायद से कुछ रहेगा, अंधेरी गुफा के अंदर देखो कितना डार्क अंधेरा है, अंधेरा कायम रहे सम्राज किल विश वाला, ओ देखो यहाँ पे भी है कुछ तो, यार इसके नाम ही नहीं लगा है यार, ये बड़ा पंगा करके रखा हुआ है, नाम लगा रहते तो एटलीस्ट कुछ पता तो चलता है यार कौन सी फिश है क्या फिश है, बट देखने में मस्त दिख रहा है। ये देखो किसे खाना है, जल्दी जल्दी आ जाओ फ्रेश फ्रेश खा लो, साइज़ देखो भाई इसके, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 फीट से ज़्यादा बड़ी है इसकी साइज़, मेरा हाथ देखो कितना सा दिख रहा है और उसकी साइज़ देखो कितनी बड़ी है, दो है एक पीछे साइड में भी, मतलब ये इसके अंदर घुसा हुआ है, ये आप में भी और है क्या, तीन है टोटल तीन। चलो आगे बढ़ते हैं, पिराना, ओ खूनी दरिंद्रा आ गया, ये पिराना फिशेश काली कलर की तो ज़बरदस्त दिख रही है गाइस, डरावनी दिख रही, मतलब एकदम हॉरर मूवी का सीन आ रहा है इसमें, देख रहे हो कितने पिराना है, दो दो चार छः आठ पिराना है, मस्त साइज़ में एकदम फुल्ली मैच्योर्ड साइज़ में। इसके अंदर क्या है, ओ भाई एक ही फिश है इसमें, पता नहीं इसका भी नाम नहीं दिया हुआ है, इसके अंदर क्या है, कुछ तो रहेगा, फिश टैंक तो चालू हुआ है, ये देखो ये देखो ये देखो क्रैब लगा हुआ है दिख रहा है, अंदर भी है इधर भी चिपका हुआ है और उस साइड में भी है, और यहाँ पे ओ भाई इनविजिबल मछली रखी हुई यहाँ पे दिख रही है क्या, मिस्टर इंडिया फिश। तो चलो गाइस यही छोटा सा टूर था, फिलहाल मैं बज रहे 11:45 एंड अब हम निकलते आगे किसी बीच की तरफ, जाके देखते कोई अच्छा खासा बीच रहेगा तो वापस चिल मार के आते। एंड गाइस अगेन इसका जो लोकेशन है, लोकेशन मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, अगर आप मालवन साइड में विजिट कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे विजिट करो, 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली वर्थ इट है गाइस, मतलब वाइड रेंज ऑफ आपको फिशेज दिखाई देती है उसमें। एंड ये भी आप कर सकते हो, मतलब फोटोग्राफ्स वगैरह आपको कैप्चर करना है तो कैप्चर कर सकते हो, स्नैक्स वगैरह के लिए भी आप लोगों को यहाँ पर जो है टेबल्स वगैरह सब अरेंजमेंट किए हुए। सो गाइस ये कार्ड है जलरंग एक्वेरियम वालों का, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी इनका दिया हुआ है 9420200991, यहाँ पे ये भैया आप लोगों को दिखाई देंगे, भैया आपका नाम क्या है, राम भैया यहाँ पे दिखाई देंगे, जो स्नैक्स वगैरह अगर आपको कुछ भी चाहिए रहेगा तो ये मिल जाएगा। एंड रेनी सीजन में जो है ये एक्वेरियम बीच बीच में बंद रहता है, मैंने कार्ड इसीलिए शेयर किया है इनकेस अगर आप इस साइड में आ रहे हो रेनी सीजन में भी, तो एक कॉल करके सिर्फ यहाँ पे आ जाना, और एल्स आपको कैसा है आना जाने का फालतू में चक्कर आपकी व्यस्त नहीं होना चाहिए। तो चलो गाइस बढ़ते हैं हम आगे, थैंक्स अ लॉट भैया, चलो
तो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगेन मिलते हम नए ब्लॉग में, हमारे 1000 किलोमीटर जर्नी के ब्लॉग में।